अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ बिहार और उत्तराखंड में ही ड्रीम इलेवन के विनर बनते हैं या फिर अदर स्टेट में? चलिए कि जब तक मैंने 1 करोड़ रुपए नहीं जीते थे तो 7,000 रुपए लॉस में चला था, तो 1,57,000 रुपए मैंने खर्च कर चुके थे, लेकिन उससे पहले मैं 1.5 लाख रुपए जीत गया। ड्रीम इलेवन जो भी गेम करा रही है वो फेयर गेम करा रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो ड्रीम इलेवन का अकाउंट था वो किस नाम से था? जी, मेरा गोपाल भट्ट के नाम से था। गोपाल भट्ट के नाम से, जी। अच्छा, ये बताइए कि अब हम बिहार से यहाँ आए और बिहार में बहुत ज़्यादा ड्रीम इलेवन विन करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पैसे सट्टे के मतलब माध्यम से उपयोग करते हैं? नहीं, अच्छी बात है, बिहार से लोग जीत रहे हैं, उन लोगों को नॉलेज है, क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी है, और भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, माता पिता का, उनका सीनियर लोगों का आशीर्वाद जो उनके ऊपर है, अच्छी बात है, जीत रहे हैं, अच्छा है, जीतना चाहिए। जो नहीं कमा रहे हैं, घर से पैसे लेके पढ़ रहे हैं, वो भी आजकल मतलब देखा देखी बहुत ज़्यादा टीम लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उन लोग देखिए जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको इस चीज़ तरह अभी नहीं आना चाहिए। हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो ये है कि हम लोग फिर भी रिकवर कर लेंगे चीज़ों को। मैं कहता हूँ कोई किसी आदमी की अगर अर्निंग है तो उसमें से अगर वो कुछ परसेंटेज अगर लगाता है तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता चला कि जो आदमी 500 ही कमा रहा है और वो 500 ही इसमें लगा दे रहा, तो वो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपने लॉस में जा रहा है, और वो अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि कृपया करके ऐसे लोग ना खेलें, ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इतनी भी एकदम वो ना लगाएं, छोटे छोटे अमाउंट्स करके वो कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ बिहार और उत्तराखंड में ही ड्रीम इलेवन के विनर बनते हैं या फिर अदर स्टेट में भी बनते हैं? नहीं, बनते तो अदर स्टेट में है, बट ये है कि यहाँ के लोग जो ज़्यादा निकल रहे हैं, जैसे आसपास हम भी यहाँ न्यूज़ सुनते रहते हैं और वहाँ से भी पता लगता रहता है कि आज बिहार के लोग, तो इट मीन्स यहाँ के लोगों को ज़्यादा मुझे लगता है किस्मत ज़्यादा मेहरबान हो रही है, लक्ष्मी जी की कृपा यहाँ के लोगों पर ज़्यादा है, तभी यहाँ के लोग ज़्यादा निकल रहे हैं। यूँ कहूँ तो बिहार में भी बहुत ज़्यादा लक्ष्मी जी मेहरबान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा करोड़पति बनते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, लक्ष्मी जी बिहार में भी मेहरबान है और उत्तराखंड में भी मेहरबान है। अच्छा, ये जो आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, इनसे पहले आपने कितने पैसे को इन्वेस्ट किया इसमें? एक्चुअली मैं टोटल मैंने कैलकुलेट किया था तो 1,57,000 रुपए मैंने खर्च कर चुके थे, लेकिन उससे पहले मैं 1.5 लाख रुपए जीत चुका था। अच्छा। तो ये मान के चलिए कि जब तक मैंने 1 करोड़ रुपए नहीं जीते थे तो 7,000 रुपए लॉस में चला था, जब 1 करोड़ जीत गया तो प्लस में आ गया। मतलब जब आपने 1.5 लाख रुपया मतलब 1 लाख प्लस आपने इन्वेस्ट किया था, उस वक्त आपने 1.5 लाख जीता भी, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा? जी नहीं, बल्कि जिस दिन मैंने 1.5 लाख रुपए जीता उससे 4 दिन पहले, एक्चुअली ड्रीम इलेवन भी आपको बता देती है, आपको नोटिफिकेशन में बता देती है कि भाई आपके इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, अगर आप इसको आगे नहीं खेलना चाहते तो रोक दीजिए, उनके भी मैसेज आते हैं, तो मैं इसलिए ड्रीम इलेवन को भी ये भी नहीं कहूँगा कि वो आपको कहती है कि आप खेलिए, उसके मैसेज आते रहते हैं। मैं भी चेक कर रहा था जब मैं 1.5 लाख रुपए हार चुका था, तो उनके 50,000 में मैसेज आ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा पैसे हार चुके हैं, इसको आप आगे खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, लेकिन मेरी होप थी, मुझे ये लगता था कि मैं उस समय भी एक एक खिलाड़ी से रह जाता था, तो मुझे लगता था नहीं मैं आऊँगा जीतूँगा, और मैंने उसको प्रोसेस करी, मैंने करा जो मेरी प्रॉफिट में और जगह से प्रॉफिट था, मैंने कहा चलो आज इसमें किस्मत आजमाते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट मेरा काम आएगा। अच्छा, आप अंत में बिहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बिहार के लोग भी क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं और वहाँ के लोग भी निकल रहे हैं, अच्छा लगता है कि किसी ऐसे स्टेट से निकल रहे हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा वो लगता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये गोपाल भट्ट जी थे और इन्होंने ड्रीम इलेवन में पैसे लगा के 1 करोड़ रुपये जीते हैं, और ये उनका शॉप है कपड़े का और ये कपड़े का बिजनेस करते हैं। बाकी हमारा प्रयास उत्तराखंड से आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।